सबसे पहले मैं कोच को रिक्वेस्ट करूंगा, जफर साहब जो विनिंग टीम के कोच हैं। मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्पेशली जो है कोच जो है लिपर्स के जफर अब्बास साहब, बहुत एक्साइटेड रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में और बहुत उन्होंने की काविश है अपनी टीम के लिए। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत भी करवाई है, पहले भी ट्रायल्स किए हैं, फिर वहां पर प्रैक्टिस करवाते रहे हैं, नेट प्रैक्टिस के बाद अपनी टीम को जो है वो उन्होंने ग्राउंड में वो लेके आए हैं और इंतहाई जो है वो मुबारकबाद के मुस्तक है और इस इवेंट को कामयाब करने में भी उनका बड़ा हाथ है। मैं कमेंटेटर से मुखातब होता हूँ कि वो उनसे उनका इजहार राय लें कि वो अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने प्लेयर्स के बारे में क्या कमेंट करते हैं, ये ले लीजिए। थैंक यू सर। तो मेरे साथ इस वक्त विनिंग टीम के कोच जफर साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी जब आप फाइनल खेलने के लिए पहुंचे, कप्तान से किस तरह का मशवरा किया हुआ था। सबसे पहले तो सब तमाशाइयों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमें और 10th क्लास के जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उन्होंने उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया। मैंने अपने बच्चों को बस यही कहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है। इनमें नेचुरल टैलेंट है अहमद में और जान में और उन्होंने उसको अच्छी तरह परफॉर्म किया और उसकी अभी हमने आउटपुट मिली है और सिंधी और बक्कर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और जुनेद ने भी अच्छी बैटिंग की है, बाकी सबने फील्डिंग भी अच्छी की है, स्कोर भी बहुत अच्छा किया है और बक्कर साहब जो है वो गाय बगाए हम सपोर्ट कर रहे थे, मेरे साथ हैं, हेड कोच है हमारे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आमिर साहब आए हैं तो हमें और ज़्यादा हौसला मिला है और शुक्रगुजार हूँ और सब फातिमा जिन्ना की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा इतना यादगार एक टूर्नामेंट करवाया और इस तरह के और भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम भी होते रहेंगे और बच्चों में ये सलाहियतें और ज़्यादा उजागर होंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोच मौजूद है, अब मैं जो लूजर कोच हैं उनको बुलाना चाहूँगा।